चलिए बच्चों, विल स्टार्ट। सहयोग की तरफ देखेंगे। सो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट? कैन समवन लेट मी नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट? सॉरी, हेल्दी फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को, अच्छा सारी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना, या फिर वो जिनका कॉम्पिटिशन के ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है वो कंपटीशन, वो प्रैक्टिसेस रोकना जिनका कंपटीशन के ऊपर क्या होता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, और लास्ट एक ऐसे कमीशन का स्थापना करना, एक ऐसा कमीशन स्थापित करना जिसको जाना जाएगा किस नाम से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद है आप सबको? और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजों को क्या किया था, डिस्कस किया था। ध्यान से देखेंगे बच्चों, फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट विद डेफिनेशंस। किसके ऊपर बच्चों? भाई किसके ऊपर? फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन कंपटीशन एक्ट, मेन जो प्रोविजन है हम वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो हम किसकी पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज अबाउट व्हाट बेटा? सबसे पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन एक्विजिशन, कि भाई ये एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए बच्चो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि एक्विजिशन को कॉम्पिटिशन एक्ट में डिफाइन क्यों किया गया है। सॉरी, वाई इज द टर्म एक्विजिशन, वाई इज द टर्म एक्विजिशन बीन डिफाइंड इन द एक्ट? हिनल, संकेत, एक्विजिशन टर्म को क्यों डिफाइन किया गया इस एक्ट में? सॉरी बच्चों, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन, अभिनंदन ने पूछा था कॉम्बिनेशन के बारे में। बेसिकली समझिए कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो उससे कॉम्पिटिशन को फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करे, एक फर्म दूसरी कंपनी को अक्वायर करे, दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाए, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन को फर्क पड़ता है। इसलिए कंपटीशन एक्ट का मकसद क्या है, कंपटीशन एक्ट हैज अ टारगेट कि क्या करो, कॉम्बिनेशंस को क्या करो, कॉम्बिनेशंस को क्या करो, रेगुलेट करो, क्या करो, रेगुलेट करो। रेगुलेट करो मतलब चेक करो कि साला इस किसी प्रकार की कॉम्बिनेशन से, किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन से कहीं मार्केट तो खराब नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, एक्विजिशन का मतलब कह के ले लेना किसी कंपनी को। सो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसको ले लेना, किसी कंपनी को ले लेना। अब बच्चों कंपनीज एक जैसी डेफिनेशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मत, अबे मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो बोल रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आप डायरेक्टली शेयर खरीद लो, इनडायरेक्टली मतलब किसी सब्सिडरी के थ्रू या किसी दूसरी कंपनी के थ्रू क्या कर लो, आप किसी कंपनी का क्या कर लो, कंट्रोल अक्वायर कर लो। क्या अक्वायर कर लो? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट्स वगैरह आप अक्वायर कर सकते हो, मैनेजमेंट राइट अक्वायर कर सकते हो, कैसे, शेयर होल्डिंग, शेयर अक्वायर करके या फिर क्या करके, उनके साथ अग्रीमेंट करके। अरे यही था ना कंट्रोल, कंपनी से पढ़ा था अपने, सेम डेफिनेशन है। सो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, What do you mean by acquisition? It means acquiring control directly or indirectly. किसके through? Shareholding के through, agreements के through, management rights. Management right भी आपको कैसे मिलते हैं? Agreement के through. तो क्या हो गया ये? Control. और control को पढ़ना, acquisition पढ़ना relevant क्यों है? Acquisition के बारे में पढ़ना relevant क्यों है? क्योंकि acquisition अपने कब काम आएगा, जब अपन क्या पढ़ेंगे, Section 5. एक्विजिशन अपने काम कब आएगा, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 किससे रिलेट करता है, कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चलना नाउ, द टर्म हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड, प्लीज हियर। कौन सी टर्म को, नोट्स देखना एक बार, एक्विजिशन टर्म को क्या किया गया है, स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। कौन से एक्ट में, अरे कौन से एक्ट में, कॉम्पिटिशन एक्ट में टर्म, इस टर्म को स्पेसिफिक डिफाइन किया गया। इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और
सीधे खुद से या फिर किसी और के थ्रू क्या करना, acquiring और agreeing to acquire, या तो डायरेक्टली acquire कर लेना या फिर acquire नहीं किया क्या कर रहे हो, कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो कि हम तुमको ले लेंगे, yes or no बच्चों, क्या acquire, agreeing, acquiring और agreeing to acquire, what you are agreeing और you are acquiring, आप खरीद रहे हो या फिर खरीदने का प्रॉमिस कर रहे हो, क्या शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो कैसे आप कंट्रोल, बच्चों किसी कंपनी को आप कैसे एक्वायर कर सकते हो कंपटीशन के हिसाब से, शेयर्स और वोटिंग राइट, शेयर्स और वोटिंग राइट। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड कंपनी यूज किया है या वर्ड एंटरप्राइज यूज किया है, एंटरप्राइज मतलब सिर्फ कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी सब कुछ हो सकता है। तो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह का कंट्रोल कैसे एक्वायर करते हो, उनके एसेट्स खरीद के, क्या खरीद के उनके, तो किसी भी एंटरप्राइज। तो बच्चों कैन आई से कंपटीशन एक्ट के अंदर जो एक्विजिशन की डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट से भी ज्यादा वाइड है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो क्या लिखा है, किसी कंपनी को अक्वायर करना, बट यहां पे किसको, कंपनी को अक्वायर करने की बात हो रही है, एंटरप्राइज को अक्वायर करने की बात हो रही है, एंटरप्राइज को अक्वायर, और एंटरप्राइज का डेफिनेशन हम लोगों ने बताया तो दिक्कत मत करना। सो अग्रीइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू अक्वायर व्हाट, शेयर्स, वोटिंग राइट्स या फिर एसेट्स, मतलब तीन तरीके अक्वायर करने की, पहला आप शेयर अक्वायर कर लो, वोटिंग राइट्स अक्वायर कर लो, या फिर किसी कंपनी के, किसी एंटरप्राइज के आपने क्या अक्वायर कर लिए, एसेट्स, तो क्या वो भी कॉम्बिनेशन, क्या वो भी एक्विजिशन में आ सकता है, यस। अभी कैसे अक्वायर करोगे, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर व्हाट और कंट्रोल ओवर व्हाट, मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लो या फिर कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन बच्चों, एक्विजिशन का मतलब क्या है, acquire कर लेना या फिर agree to acquire करना, क्या shares, voting right या फिर assets plus control कर लेना, किसको control कर लेना, management के ऊपर, या फिर control over the management और control over the assets, that's it, क्या हो गया ये। तो अगर कोई भी company, कोई भी एक enterprise दूसरी enterprise को क्या करती है, अक्वायर करती है, चाहे शेयर्स अक्वायर करे, वोटिंग राइट्स अक्वायर करे, एसेट्स अक्वायर करे, तो क्या कंपटीशन एक्ट लागू हो सकता है। प्रवेश कहां था भाई, परसों का लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, आज का लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, परसों दोपहर का, फिल हो जाएगा बेटा, एक लेक्चर भी मिस किया तो संभल के रहना, सीएस कोर्स में माफी नहीं है किसी को, ठीक है, तो अच्छा है बुरा है, फेल मतलब फेल। और अभी कहां था सिक्योरिटीज के लेक्चर में, सिक्योरिटीज में कहां था, क्यों तो बच्चों प्लीज सीयर, प्लीज सीयर, सो ध्यान से किया बच्चों। तो एक्विजिशन के अंदर दोनों चीजें आ गई, क्या करना बच्चों, या तो आप अग्री करते हो या फिर आप क्या करते हो, एग्जैक्टली डायरेक्टली क्या कर लेते हो, आप अक्वायर कर लेते हो, क्या अक्वायर करते हो, शेयर्स, वोटिंग राइट, एसेट्स, या फिर किसी कंपनी के या फिर किसी एंटरप्राइज के, किसको बच्चों, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हो या फिर एसेट्स को। तो दो तरीके से आप एक्विजिशन कर सकते, पहला शेयर्स के थ्रू, वोटिंग राइट्स के थ्रू और एसेट्स के थ्रू, दूसरा उनके ऊपर अक्वायर करो नहीं करो मुझे नहीं पता, बट आप क्या कर लो उनके ऊपर अपना हक जमा लो, क्या जमा लो, अपना हक जमा लो। तो कहना ही से दोनों केसेस में क्या हो गया, आपने एक्विजिशन कर लिया। अब एक चीज याद रखना, अगर आप अक्वायरिंग और एक्विजिशन, अगर आप अक्वायरिंग कर रहे हो, अक्वायरिंग और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, कहना ही से Acquiring symbolizes कि आप वो transaction अभी भी कर रहे हो, और acquisition symbolizes कि आपका transaction complete हो चुका है। तो ध्यान देखो, चाहे आप during acquisition मतलब acquisition के दौरान, या फिर acquire आपने कर लिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब मैं नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, बट मैं उतनी आसानी से नहीं बोल पा रहा हूँ जितनी आसानी से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि acquiring या फिर acquisition दोनों ही terms relevant है, दोनों ही terms क्या है, मतलब दोनों ही के, आप दोनों में से कुछ भी करें आपके ऊपर कंपटीशन एक्ट क्या होगा, लागू होगा। इज दैट क्लियर? सो
the term acquiring or acquisition are relevant for what beta? दोनों ही टर्म्स रेलिवेंट है किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब कुल मिला के कॉम्पिटिशन एक्ट आपके ऊपर दोनों ही केस में लागू होगा, व्हेन यू आर प्लानिंग टू अक्वायर एंड व्हेन यू हैव अक्वायर्ड. सो ड्यूरिंग द एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन, दोनों ही केस में आपको क्या फॉलो करना है? कॉम्पिटिशन एक्ट. लेकिन हम पढ़ेंगे आगे, ये तो खैर टाइम पास ही है. नेक्स्ट, अगला जो डिस्कशन है वो कौन सी डेफिनेशन है? जो अगला डिस्कशन मेरा आपके साथ वो किसके ऊपर है? अग्रीमेंट. नाउ लिसन टू मी, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दिस इज अग्रीमेंट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. लेकिन यहां पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ किसको डिफाइन किया है? अग्रीमेंट को डिफाइन किया है. मतलब इनका मतलब कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट इस एक्ट के हिसाब से. नो बेसिकली प्लीज हियर, सो जब मैं अग्रीमेंट की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट अग्रीमेंट, तीन चीजें मुझे याद रखनी है. कितनी चीजें? तीन चीजें. अब मैं चलो अदरवाइज मैं अलग तरीके से बताता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं. सो मैंने संकेत ने और चिन्मय ने चैतन्य ने सॉरी ये मैं परेशान हो गया हूँ, चैतन्य चिन्मय इतने ना अपनी क्लास में. सो मैंने संकेत ने और चैतन्य ने हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तीनों पुणे शहर में जितना भी ऑयल आता है हम तीनों ही बेचते हैं. पुणे शहर में जितना भी ऑयल आता है हम तीन ही सेलर हैं. हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम ऑयल 500 रुपए लीटर के नीचे नहीं बेचेंगे. मरने दो साला पुणे की जनता को, देखते हैं कहां से ऑयल खरीदते हैं. सो व्हाट थ्री ऑफ अस डिसाइडेड? That we won't be selling the oil below how much? 500 rupees per liter के नीचे हम oil नहीं बेचेंगे. Now tell me, this agreement is lawful or unlawful? Unlawful because we are trying to create a holding. गलत practice हम लोग create कर रहे हैं, correct है? तो हम लोगों ने ये decide कर लिया कि we won't be selling oil below the price of this much. ये तो unlawful agreement है. तो contract act के हिसाब से तो void ab initio हो गया. हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर? कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन इस टाइप के अग्रीमेंट्स करते हैं. अब देखिए, प्याज के दाम हर 6 महीने बढ़ते हैं. इन एवरी 6 months इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियंस, और बोलते हैं नासिक में इतना प्याज होता है बच्चों की नासिक कैन फीड एंटायर वर्ल्ड. You can search on Google if you doubt on my statement. So, नासिक में इतना प्याज होता है कि नासिक पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को फीड कर सकता है, इतना भयंकर प्याज होता है नासिक में. But still, why this problem comes in every 6 months? You know that we have a sudden price rise of onions. Why does it happen? बच्चों उस 6 महीने में लोग 200-200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 300-300 करोड़ कमा लेते हैं एक एक प्याज का, जो मिडिल मैन होता है, ब्रोकर जो होता है, कई पॉलिटिशियन सब शामिल होते हैं बच्चों, सब. क्यों? जितने भी स्टॉकिस्ट होते हैं पूना से लेके दिल्ली तक, मतलब नासिक से पूना, पूना से दिल्ली, जितने भी स्टॉकिस्ट होते हैं दे ऑल फॉर्म एन अग्रीमेंट कि प्याज आगे भेजने वाले बंद कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नासिक का सबसे बड़ा डीलर हूं प्याज का, मेरे पास 500 टन प्याज आया, मैंने दिल्ली कितना फॉरवर्ड किया, सिर्फ 250 टन, 250 टन मैंने क्या कर लिया? स्टॉक कर लिया. छगन भुजबल का गोडाउन है ही नासिक में. छगन भुजबल नहीं, आपने नासिक में जो लोग होंगे उनको पता है, हर एक लीडर के कुछ हो या ना हो, आप नासिक में नेता आप तभी कहलाओगे जब आपके कम से कम 10-15 गोडाउन है, और गोडाउन भी ऐसे वैसे नहीं है, कोल्ड स्टोरेज, एकदम खतरनाक वाले गोडाउन. सो वहां से होर्डिंग चालू होता है. सो कैन आई से दे मेक एन अग्रीमेंट? अच्छा, तुमको क्या लगता होगा अग्रीमेंट राइटिंग में होता होगा, स्टैम्प पेपर पे? एक मिनट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो व्हाट इज, लेकिन उनसे वो अग्रीमेंट कहीं ना कहीं उनसे मार्केट तो खराब हो रहा है. सो उन अग्रीमेंट को हम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं. उन अग्रीमेंट्स को हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं. उन अग्रीमेंट्स के आधार पर हम लोगों को पनिशमेंट देते हैं. कौन से एक्ट के अंदर?
कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर. सो बेसिकली व्हाट्स एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट इट इज नथिंग, इट्स अ कॉन्सर्टेड एक्शन. कौन सा एक्शन? कॉन्सर्टेड एक्शन मतलब सो अगर 10 लोग मिलकर डिसाइड करते ना कि हम ये काम करेंगे, हम रेट बढ़ाएंगे, कॉन्सर्टेड एक्शन. आपने अलग अलग अग्रीमेंट किए भाड़ में जाए, मुझे नहीं पता, लोगों ने डिसाइड किया. अगर 10 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, भले उन्होंने आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, इवन दैट कैन अमाउंट टू एन, इवन दैट कैन अमाउंट टू एन अग्रीमेंट. सो व्हाट इज अग्रीमेंट? इट्स एन अरेंजमेंट. इट्स एन अरेंजमेंट मतलब एक तरह की जुगाड़. इट्स एन अंडरस्टैंडिंग. इट्स एन अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ कॉन्सर्टेड एक्शन. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. कॉन्सर्टेड एक्शन मतलब मुझे समझो, कॉन्सर्टेड एक्शन मतलब ना आपका और मेरा पर्सनल कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है. हिनल प्याज 40 रुपए में बेच रही, तो मैंने भी क्या कर दिया, 40 में कर दिया. और बहुत सारे लोगों ने प्याज कितने बेचना स्टार्ट कर दिया, 40 लोगों ने. क्या हमारा कोई फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है? बट स्टिल लॉ ये मान सकता है कि हमने क्या किया है, लॉ ये मान सकता है कि हमने क्या किया है, अग्रीमेंट किया है. सो इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स अ कॉन्सर्टेड एक्शन. क्यों? अच्छा क्यों छोड़ दो, किसके बीच में या किस लिए? अच्छा वेदर इट्स एक्सप्रेस, चाहे वो लिख के हुआ हो, वेदर इट इज इंप्लाइड, वेदर इट इज इंप्लाइड मतलब वर्ड्स में हुआ है तो भी वो अग्रीमेंट है. वेदर एनफोर्सिएबल बाय लॉ और नॉट, लॉ उसको एनफोर्स करे, लॉ उसको एनफोर्स ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो क्या हो गया अग्रीमेंट? अरेंजमेंट, जुगाड़, अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, कॉन्सर्टेड एक्शन, मिलके काम करना. चाहे ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सर्टेड एक्शन, जुगाड़ राइटिंग में हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग में नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेसली लिख के किया है, बोल के हुआ है नहीं पता, इंप्लाइड है कोई फर्क नहीं पड़ता. इंप्लाइड मतलब एक ने जैसा किया वैसा सब लोग कर रहे हैं, इंप्लाइड हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. लीगल है, एनफोर्सिबल बाय लॉ है, एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैलिड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अल्टीमेटली इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, मेरा मार्केट खराब हो रहा है, मार्केट का नाश हो रहा है. मार्केट का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है. क्या मान सकता हूं मैं उसको अग्रीमेंट? और ऐसे अग्रीमेंट का संज्ञान कौन लेगा? क्या ना इसे यही अग्रीमेंट आगे जाके क्या बन जाएंगे बच्चों? आगे जाके यही अग्रीमेंट क्या बन जाएंगे? एंटी एंटी बच्चों यही अग्रीमेंट आगे जाके क्या बन जाएंगे? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो डेफिनेशन क्या है, लुक एट द डेफिनेशन. By making agreement, the producers, sellers, or the businessmen try to disturb. What, beta? ये मेरी कमेंट्री थोड़ी सी. According to Section 2B of Competition Act, agreement includes what, beta? Arrangement, understanding, or action in concert. कैसे हो रहा है ये? Whether or not such agreement, understanding, or action is formal or in फॉर्मल है, राइटिंग में, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेदर और नॉट सच अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी लॉ एनफोर्स कर पाए, लॉ एनफोर्स ना कर पाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कुल मिला के मार्केट खराब हो रहा है. इस अग्रीमेंट का रिजल्ट क्या है? इस अग्रीमेंट का रिजल्ट क्या है कि मार्केट इज गेटिंग डिस्टर्ब. इज दैट क्लियर? Should I give you an example, a very practical example? I'll tell. ये जो सबसे अच्छी बैटरी कौन सी होती है, अपन कौन सी यूज करते हैं अपने इसमें? Duracell. Duracell की बैटरी जब लॉन्च हुई, रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है. अच्छा इंडिया में बैटरी का हब कहाँ है? इंडिया में बैटरी का हब कहाँ पे है? सबसे ज्यादा बैटरियां कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? कोलकाता. वेस्ट बंगाल इज द हब ऑफ बैटरी. जितनी भी घटिया इंडस्ट्रीज है वो सब वेस्ट बंगाल में, ठीक है. केमिकल ले लो, वेस्ट बंगाल इज अ वेरी नाइस प्लेस, बट केमिकल वेमिकल का जितना भी सड़ा काम है ये सब कहां पे होता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है. नाउ सो
ड्यूरासेल जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो, और ड्यूरासेल की स्ट्रेटेजी है कि वो किसके थ्रू बेच रहा था, जब ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स है डीमार्ट और जितने भी सुपरमार्ट्स है उनके थ्रू डीमार्ट ड्यूरासेल अपनी बैटरी बेच रहा था। अब जब ड्यूरासेल मार्केट में आया तो ऑब्वियसली उस लोगों को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। जैसे अपने लेक्चर में अपन एवरेडी की बैटरी यूज करते हैं तो एक घंटे में दो घंटे में खत्म हो जाती है, बट ड्यूरासेल सुबह अपन डालते हैं तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लेक्चर में खत्म होता है, 6 घंटे का ड्यूरेबिलिटी है बच्चों। तो बच्चों ड्यूरासेल जैसे ही आया क्या हो गया, जितनी बाकी की बैटरी है एवर रेडी हो गया, निप्पो ये सब बैटरी क्या हो गया बच्चों, इन सब बैटरी का सेल क्या हो गया, बहुत अचानक से क्या हो गया, नीचे आ गया। अब ये बैटरीज ऑलरेडी बहुत सस्ती आती हैं, ये बैटरीज क्या हो गई, ऑलरेडी क्या हो गई, बहुत सस्ती आती है। अब ध्यान से देखना, लिसन टू मी, सो निप्पो बैटरी ने या किसी बैटरी वाले ने किसको अप्रोच किया, निप्पो बैटरी वाले ने अप्रोच किया किसको, डीमार्ट को और जितने ही बड़े बड़े मार्ट थे, कि अगर आप हमारा बैटरी बेचना चाहते हो तो आपको डीमार्ट ड्यूरासेल का बैटरी बेचना क्या करना पड़ेगा, बंद करना। ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, आप ऐसा बोल सकते हो, इंडिया में फ्रीडम है ट्रेड करने की। डीमार्ट ने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं ड्यूरासेल बेचूंगा क्योंकि ड्यूरासेल खरीदते लोग। निप्पो के बाद एवर रेडी आया, पैनासोनिक आया, एंकर आया, जितनी बैटरी वाले थे सब एक 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 करके सब लोगों ने अपना माल कहां से हटा लिया, डीमार्ट से हटा लिया, या जितने भी बड़े बड़े सुपरमार्केट थे सबसे हटा लिया। अब बच्चों ड्यूरासेल ने इसकी शिकायत कहां पे की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत किसने की, ड्यूरासेल ने शिकायत की कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इससे कंपटीशन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ना, क्योंकि बाहर जब दुकान पे आता तो उसको सारी चॉइसेस मिलनी चाहिए, बट बाहर जब दुकान में आएगा तो अब उसको सिर्फ कौन सी बैटरी मिलेगी, ड्यूरासेल। और इसलिए डीमार्ट, अच्छा ड्यूरासेल, फिर डीमार्ट ने आखिरी में क्या किया, डीमार्ट ने हार के क्या किया, ड्यूरासेल को अपने स्टोर से हटा दिया और बाकी ये सब एवरेडी वगैरह आ गए, क्योंकि ड्यूरासेल आपको पता है हर आदमी अफोर्ड नहीं करता, ड्यूरासेल कंपैरेटिवली महंगा आता है, तो ड्यूरासेल का जहां पे एक बिकता था वहां पे बाकी ब्रांड की 50 बैटरीज बिक जाती थी। आप भी देखो अपने घर की घड़ी का सेल देखना, कभी ड्यूरासेल नहीं होता, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ड्यूरासेल बहुत मतलब थोड़ा महंगा आता है, जो नॉर्मल सेल 10 रुपए का आता है, ड्यूरासेल मेरे ख्याल से 50 रुपए का आता है, कितने का आता है मैंने नहीं खरीदा, ड्यूरासेल का 25 का आता है, नॉर्मल सेल 10 का आता है, तो नहीं खरीदते ना यार। और घड़ी में तो कोई भी सेल डालो चलते ही, घड़ी में कोई भी सेल डालो तो कम से कम वो चलता ही है, जो 1-2 साल तक नॉर्मल सेल भी चलता है। तो ड्यूरासेल का दिमाग खराब हो गया कि साला मैं क्या किसी का बिगाड़ रहा हूं, तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ अग्रीमेंट सीसीआई गए और सीसीआई ने कहा था कि ये, और फिर सारे सीसीआई ने सबको बुलाया, निप्पो विप्पो सबको, जिप्पो विप्पो सबको लाइन से बुलाया और बोला तुम लोगों ने मिलकर ड्यूरासेल की वाट लगाने का ट्राई किया, सही है क्या ये, हम तो नहीं जानते कौन है ये, हम तो कभी देखा भी नहीं, हम तो अकेले आए थे, अकेले चाहे। सो क्या हो गया बच्चों, बट क्या कोर्ट ने अल्टीमेटली सीसीआई ने क्या डिसाइड किया कि अनफेयर प्रैक्टिस है या नहीं है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है या नहीं है, तो बेसिकली अग्रीमेंट था इन सबके बीच में, लेकिन इन लोगों ने यह साबित हो गया कि इन लोगों ने फॉर्मली कुछ डिसाइड, बट कैन आई से इट वॉज अ कॉन्सर्टेड एक्शन, इट वॉज वॉट, इट वॉज अ कॉन्सर्टेड एक्शन। सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरी वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। नाउ अब मैं आपको आगे की चीज पढ़ाता हूं, आगे की चीज क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कार्टेल, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, कार्टेल। व्हाई डू यू मेक कार्टेल्स, कार्टेल्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली बड़े बड़े लोग जो होते हैं, दे कम, कार्टेल का मतलब होता है बड़े बड़े लोग जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे जो भी लोग हैं मिलके रूल करना, मिलके क्या करना, रूल करना। ध्यान देखना, सबसे पहले याद रखना कार्टेल क्या है, कार्टेल इज एन एसोसिएशन, कार्टेल इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समूह, संस्था,
ग्रुप है, कौन कौन आता है इसमें समूह में? प्रोड्यूसर्स, क्या नहीं से सारे मोमबत्ती बनाने वाले इकट्ठे हो सकते हैं? रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, समझ में आ रहा है? ये सब लोग क्या होते हैं? दीज ऑल पीपल कम टुगेदर, ये सारे लोग क्या होते हैं बच्चों? इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, लिसन, और ये सारे लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू? दे अग्री, कुछ तो अग्री करते हैं। क्या अग्री करते हैं? लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं ये? व्हाई आर दे कमिंग टुगेदर? ओए, अपना राज चलाने के लिए? लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपनी मर्जी से रेगुलेट करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। क्या? प्रोडक्शन, प्राइस, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? गुड्स या फिर किसी सर्विस को? गुड्स या फिर किसी सर्विस को? डू यू वॉन्ट मी टू गिव एन एग्जाम्पल? वेरी गुड एग्जाम्पल आई विल गिव यू। इंडिया के ACC, हॉलचेस्ट, न्यूवोनो, एक सीमेंट आता है न्यूवोनो, न्यूवो एक अपने साइड चलता है नागपुर ऑपोजिट बहुत ज्यादा, निर्वोनो या न्यूवो करके कोई सीमेंट चलता है। ठीक है, सुनो, अंबुजा, नहीं अंबुजा वॉज आउट ऑफ, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट ये सब आउट है। मैं टॉप फाइव की बात कर रहा हूं, ठीक है? ACC है, होलचेस्ट है, निवोनो है, अल्ट्राटेक, सॉरी भूल गया था, ये तो सबसे अच्छा से मतलब बहुत तगड़ा सीमेंट है अल्ट्राटेक। डबल बुल फेंक के मार दूंगा सारे डबल, अभी अच्छा हुआ चड्डीनाथ नहीं बोला, आता है ना चड्डीनाथ सीमेंट, चड्डीनाथ, अबे तुम्हारी यहां चलता है एक चेन्नई साइड चड्डीनाथ सीमेंट ने ROC हैदराबाद को 100 करोड़ रुपए दिया था रिश्वत, तब से वो सीमेंट की कंपनी बहुत फेमस हो गई। पुणे में बहुत बिकता है चड्डीनाथ, सस्ता सीमेंट है। और अल्ट्राटेक तो बहुत ही अच्छा सीमेंट है। तो बच्चे ये 5 सीमेंट वालों ने क्या किया, सुनो ध्यान से, अचानक से देखा, सुनो, जैसे ही बारिश खत्म होती है अभिनंदन क्या शुरू होता है? वेरी नाइस, बारिश के बाद ठंडी शुरू होती है और ठंडी के सीजन में आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ये सुनो बच्चों, बारिश के बाद जैसे ही बारिश होती है सीधे उसके तुरंत बाद बारिश खत्म हुई उसके बाद कंस्ट्रक्शन का सीजन आता है, ठीक है? और उसके बाद बच्चों ध्यान देखना, अब क्या हुआ कि अचानक से देखा कि सीमेंट के प्रोडक्शन में कमी आ गई है, ठीक है? एक साथ ACC ने, होलचेस्ट ने, और सॉरी होलसिम, आई एम सॉरी, होलसिम होलचेस्ट इज अदर, होलसिम करके, निवोनो, एक बार चेक करोगे गूगल पे पता चलेगा, निवोनो नाम मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, उसके बाद अल्ट्राटेक, इन सब लोगों का एक के बाद एक नोटिस आया, इन सब लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि हम लोग अपने प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, या जो भी इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको इन्होंने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बच्चों किसी को समझ में नहीं आया कि यार ये लोग प्रोडक्शन रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? और इन सबके पास तो बच्चों ये 5वें इकट्ठे हो जाए तो ये लोग अगर सीमेंट सप्लाई करना बंद कर दें तो सारे कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे। चट्टीनाथ और श्री सीमेंट ये सब छोटी कंपनीज है, इनकी कैपेसिटी ज्यादा, दे डोंट हैव मच बिगर कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अ
और जिन लोगों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, जिस सीमेंट की बोरी का रेट 150 रुपए था, 15 दिन के अंदर 175 की हो गई और जाते आते 190 तक गई बोरी। मैं बात कर रहा हूं 2015 की। आप बच्चों कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे कि क्या हो रहा है मोदी गवर्नमेंट में, ये वो। ठीक है, जितने भी सीमेंट डीलर्स की एसोसिएशन थी, अच्छा इसमें नुकसान किसको हो रहा था, कि एक पर्टिकुलर एरिया को या पूरे इंडिया को नुकसान हो रहा, जितनी भी क्या थी बच्चों सीमेंट डीलर्स की जितनी भी एसोसिएशन थी, सीमेंट डीलर्स की जितनी भी क्या थी एसोसिएशन थी, वो सब जाके सीधे उन्होंने केस फाइल किया। सीमेंट डीलर को फर्क पड़ता है प्राइस रेट बढ़ता है तो, क्यों? क्योंकि उनकी सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बच्चों ये सारी कंपनी ने क्या किया था बच्चों, फिर बच्चों केस फाइल हुआ किसके अगेंस्ट, ये पांचों कंपनीज के अगेंस्ट। पहले तो इनके अगेंस्ट एस्टैब्लिश हुआ कि इन्होंने अग्रीमेंट किया है, उसके बाद समझ में आया कि इन लोगों ने प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइसेस को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, व्हाट हैड दे डन, दे हैड डन अ कार्टेल। तो आप क्या करना चाहते हो जब आप इकट्ठे होके मार्केट को क्या करना चाहते हो, मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हो, व्हाट डू यू डू, आप कार्टेल बना लेते हो। जब रिलायंस जियो, चलिए एनीवे, सो ये हो गया कि बच्चों देखिए कार्टेल क्या हो गया, कार्टेल इंक्लूड्स व्हाट बेटा, किसका एसोसिएशन, प्रोड्यूसर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स, और जो क्या करते हैं आपस में क्या करने की कोशिश करते हैं, अग्रीमेंट करके लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल व्हाट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस और व्हाट बेटा, गुड्स और सर्विसेज और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, गुड्स की ट्रेडिंग, सर्विसेज, इन सबको क्या करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल करने, अग्रीमेंट, कंट्रोल, लिमिट और रेगुलेट। याद रखना सिंपल डेफिनेशन कार्टेल का, मतलब प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर्स, ये सब होते हैं इकट्ठे, उसके बाद क्या करते हैं आपस में, और अग्रीमेंट के थ्रू क्या करते हैं, लिमिट कंट्रोल और रेगुलेट व्हाट, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, प्राइस, इन सबको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई कार्टेल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू व्हिच यू नो यू फॉर्म कार्टेल्स, किन रीजन, नहीं अब मैंने क्या बोला, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये सब इकट्ठे हुए, श्री सीमेंट नहीं आया। ध्यान से किया, कभी मर्सिडीज बेंज को बेचने के लिए कार्टेल नहीं बनता, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर, ये तीनों ने आके बोला कि हम भी कार्टेल बनाएंगे, ये कार्टेल बना के भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्यों, इनके सामान खरीदता कौन है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्सिडीज वाला बोलता है मैं 50 लाख से कम नहीं बेचूंगा, ऑडी बोलता है मैं 50 लाख से कम नहीं बेचूंगा, रेंज रोवर बोलता है मैं 50 लाख से कम नहीं बेचूंगा, कस्टमर बोलता है भारत में जा हम तो स्विफ्ट खरीदने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो कार्टेल गोल्ड बेचने वाले कार्टेल नहीं बना सकते, कार्टेल कौन बनाता है, कार्टेल उसी प्रोडक्ट के लिए बन सकता है जिस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मर रहा हो, मतलब जिस प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर क्या है, डिपेंडेंट है, दूध बेचने के लिए कार्टेल बन सकता है, सीमेंट के लिए बन सकता है, स्टील बेचने के लिए बन सकता है, समझ में आ रहा है, गेहूं चावल बेचने के लिए बन सकता है, बट जिसके ऊपर कस्टमर डिपेंडेंट नहीं है या जिसका सब्स्टिट्यूट बहुत आसानी से अवेलेबल है, उसके लिए कार्टेल बनाना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट। नंबर वन, नंबर टू, सबके ऊपर टारगेट्स है, सबके ऊपर क्या है, सबके पास बड़ी बड़ी मशीनरी है, सबने अपनी कैपेसिटी क्या करके रखी है, बहुत बढ़ा के रखी हुई है, कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन की क्षमता, सबकी क्षमता बहुत ज्यादा है प्रोड्यूस करने की, और वो क्या नहीं कर पा रहे, या जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या नहीं कर पा रहे, सेल नहीं कर पा रहे, कैन दे फॉर्म कार्टल्स, क्या वो कार्टल्स बना सकते हैं, क्यों, अपनी सेल को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सिमिलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने भी मैंने आपको पांच सीमेंट कंपनी के नाम बताया, अल्ट्राटेक, न्यूवोनो, ये जो भी है, कौन सी है, न्यूवोको, जितनी भी ये सीमेंट की कंपनीज हैं, इन सब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग क्या है, क्यों बच्चों, जस्ट इमेजिन कि आपका और मेरा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
अगर मेरा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, या हम लोग एक साथ मिलकर टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं? इनका प्रोडक्शन भी 100 रुपए का है, मेरा प्रोडक्शन भी कितना है, 100 रुपए का है, तो मैं बोलता हूं अपन दोनों मिलकर 120 में बेचेंगे, या अपन दोनों मिलकर 90 में बेचेंगे, कॉम्पिटिशन खत्म कर देंगे मार्केट से, 90 में बेचेंगे मतलब हम लोग कॉस्ट के नीचे बेचेंगे, तो कॉम्पिटिशन अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अपन आग लगाएंगे। तो ये हम दोनों कब कर सकते हैं, जब दोनों का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, अगर इनका 110 का है और मेरा 90, मेरा 100 का है, तो बच्चों फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्यों? फिर वी कैन नॉट अग्री फॉर वन प्राइस, वी कैन नॉट अग्री फॉर वन सिंगल प्राइस, वी कैन नॉट अग्री फॉर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद मार्केट, अच्छा एक चीज बताओ, छोटी फैमिली ज्यादा यूनाइटेड रहेगी या बड़ी फैमिली ज्यादा यूनाइटेड रहेगी, छोटी या बड़ी? छोटी फैमिली ज्यादा यूनाइटेड रहेगी क्योंकि कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। तो बच्चे मुझे एक चीज बताओ, कार्टेल होने के चांसेस कम है, और मैंने एग्जांपल में सिर्फ 5 ही सीमेंट कंपनीज का जिक्र किया कार्टेल में, क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल है इंडिया की, जो टॉप लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली कंपनीज है, वो 5 ही है। मतलब ये 5 के अलावा जो छठवें नंबर पे जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी ना, उनकी और इनकी कैपेसिटी में कई मेट्रिक टन का डिफरेंस है। इट्स लाइक कि अगर अल्ट्राटेक 5वें नंबर पे है, तो अल्ट्राटेक का प्रोडक्शन अगर 500 टन का है, तो जो छठवें नंबर पे है उसका प्रोडक्शन 100 टन का ही है। समझ में आ रहा है? तो एक ही टाइप के कंप्यूटर क्या है, ज्यादा है कम है? कम कंप्यूटर्स ज्यादा यूनाइटेड रहते हैं, इसलिए इनके कार्टेल बनाने की चांसेस क्या है, ज्यादा है। सो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते आप क्या करते हो बच्चों, जिनके चलते आप क्या कर लेते हो, कार्टेल बना लेते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीपिका पादुकोण से पूछा रणबीर सिंह का पसंद आने लगा, तो उसने बोला कि जब मैं शूटिंग कर रही थी बजीराव मस्तानी की, बजीराव मस्तानी में थी क्या, हाँ, रामलीला की शूटिंग कर रही थी, रामलीला की शूटिंग कर रही थी। बच्चों क्या नहीं से रामलीला की शूटिंग करते करते प्यार हो गया, क्यों? हो जाता है। फ्यू कॉम्पिटिटर्स, हीरो वही दोनों थे, सिमिलर प्रोडक्ट, मूवी एक थी, हायर डिपेंडेंस ऑफ कस्टमर ऑन द प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे क्योंकि हीरो हीरोइन थे, दोनों को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना था, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मूवी महंगी थी। सो ये सारे फैक्टर्स चलते क्या था बच्चों, वो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसी होती बच्चों, मूवी आप एक एक दो दो तीन तीन महीने के लिए इकट्ठे रहते हो, जब प्यार हो ही जाएगा, और फिल्म स्टार्स का प्यार क्या, मूवी चेंज, प्यार चेंज, नहीं भगवान भला करे 100 साल जिए सब लोग, बट आप समझिए, क्योंकि बच्चे वो एटमॉस्फेयर वैसा होता है कि आप क्या होते हो, आप उस एटमॉस्फेयर में एक दूसरे को ज्यादा अच्छे समझते हो। सेम अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, हम दोनों के पास ज्यादा माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्या है, बहुत कम है, हम दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैन आई से इट इज मोर लाइकली दैट वी कैन कम टुगेदर। आप भी चोर हो, मैं भी चोर हूं, बचपन से आपने मंदिर के सामने चप्पल चोरी पकड़ाते हुए पकड़ाए थे, मैं पंचर टायर चोरी करते हुए पकड़ाया था, तो दोनों चिंदी चोरी है, पर दोनों के इंटेंशन क्या सेम है, कैन वी फॉर्म कार्टेल्स? ये सुनो, जियो सॉरी वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इन तीनों ने कार्टेल बनाया था। आपको याद होगा जब जियो में लॉन्च, जियो नया नया लॉन्च हुआ था, तो जियो के फोन से एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को फोन नहीं लगता था। Do you remember? जियो के फोन से इन तीनों को फोन नहीं लगता था। हाँ, चार्ज लगता था या लगता नहीं था, नहीं कई दिन तो लगा ही, लगता ही था वो, मतलब एक बार में 10-15 बार ट्राई करना होता था। सो व्हाट दे हैड डन, इन तीनों ने मिलके कार्टेल बनाया था, किसको रोकने के लिए, जब मुकेश अंबानी ने बोला था कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मुकेश अंबानी तीनों को धमकी दी थी, मीटिंग हुई थी टेलीकॉम वालों की, तो मुकेश अंबानी तीनों को बोला था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्या डायलॉग था जो। सो ध्यान से, सो व्हाट आर द रीजंस, क्यों बन जाते हैं कार्टेल्स, क्यों आ जाते हैं दो लोग आपस में इतने करीब, लेसर कंपटीशन, दीपिका और रणबीर, अंधों के बीच में काना राजा और कानी रानी कौन है, दीपिका और रणबीर ही ना, बाकी सब तो टाइम पास करने बैठे थे मूवी में, लेसर कंपटीशन। अगर वहां पे मान लो रणबीर कपूर और रणबीर सिंह दोनों साथ में शूटिंग हो रही थी रामलीला में, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह
आयुष्मान खुराना, तीन चार लड़के होते हैं अगर उस मूवी में, और दीपिका अकेली रामलीला वाली लीला होती तो मुझे बहुत मुश्किल है प्यार होना, क्योंकि कॉम्पिटिशन क्या था, भयंकर था। हाँ तो बेटा बात मत कर मेरे से, लेक्चर बंक मारता है। उसको छोड़ने गए थे ये लोग, उसके पार्टी कर रहे थे सब मिलके। तो उसके बाद अच्छा, हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, ये कौन रीजन है जिसके कारण क्या होता है बच्चों, हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर मतलब मार्केट में घुसना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। अरे हाई एंट्री एंड हाई एग्जिट बैरियर मतलब कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन कम। सीमेंट बिजनेस में क्या, चल अभिनंदन चल सीमेंट की फैक्ट्री डालते, चल ऐसे बोलने से डल जाएगी क्या? अरे कितने लाइसेंसेस चाहिए और सीमेंट फैक्ट्री क्या, माइंस ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, क्या सीमेंट बिजनेस स्टार्ट करना इजी है? वेरी डिफिकल्ट। स्टील भी सेम ही है, इनफैक्ट जितने भी माइंस बेस्ड बिजनेस है दे ऑल आर डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू फाइंड अ माइंस फर्स्ट, है ना? तो बच्चों एंट्री और एग्जिट बैरियर ज्यादा होते हैं, ड्यू टू दिस देर आर लेसर प्लेयर इन द मार्केट एंड हेंस दे फॉर्म कार्टेल्स। सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सिमिलर प्रोड्यूसर कैन कम टूगेदर टू कंट्रोल द हायर डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि कार्टेल कौन खेलेगा, अरे कार्टेल कौन खेलेगा, जिनके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर डिपेंडेंट है बच्चों, जिनके प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, अरमानी वाला बोलता है कि मैं, अरमानी वाला और गुच्ची वाला ये दोनों कार्टेल करते हैं, बोलते हैं एक टी शर्ट 10,000 के नीचे नहीं बेचेंगे, अरे तुमको 10 क्या, 2,000 में कोई नहीं खरीदने वाला, भाड़ में जाओ। तो कार्टेल हमेशा कहां पे बनते हैं, जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर रेगुलरली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है? ये मैंने ऊपर ये नीचे वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, तो आप एग्जाम में कौन सा लिखोगे ये लिखना है, ये मैंने बताया है एक एक के पीछे, जैसे आप मॉड्यूल में देखोगे तो इतना ही लिखा है एक्सेस कैपेसिटी ये, लेकिन मैंने इसका क्या बताया, इसका रीजन बताया कि इससे विससे नहीं, मतलब इसके कारण क्या होता है जैसे दो लोग क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है? जैसे सिमिलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा तो दोनों की कंडीशन क्या है, सेम है। जब कंडीशन सेम है तो कहना ही से यू कैन कम टुगेदर। रणबीर और दीपिका जब रामलीला शूट करते, दोनों अपने करियर के एक पीक पे थे, दोनों अपने करियर के क्या थे, पीक पे थे, तो मुझे कहना इसे इकट्ठे आ सकते हैं, कंपटीशन कोई था ही नहीं। नेक्स्ट, जिसके नाम में ये मर वही है कंज्यूमर, जिसके नाम में ही है मर। तो इस एक्ट में किसको डिफाइन किया गया, कंपटीशन एक्ट में, कंपटीशन एक्ट में हमने कंज्यूमर को भी क्या करा है, डिफाइन करा है। सो इज अ कंज्यूमर, इतना लिखेगा ना तेरे को मिलेगा जीरो, और लिखेगा विट्ठल दिमाग ला। सो हु इज अ कंज्यूमर प्लीज, या एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, वन हु बाइज गुड्स और हायर्स और अवेल्स सर्विसेज। अच्छा बच्चों बहुत सारे लोग, कंज्यूमर को डिफाइन क्यों किया गया यहां पे, Why has the consumer been defined here? Consumer को define क्यों किया गया है? बच्चों consumer को define क्यों किया गया है? Tell me. Consumer को protect करने के लिए? And can I say इस act के अंदर अगर relief चाहिए तो relief किसको मिलेगी? Who will get the relief? Consumer will get the relief under the act. So इसलिए हमने किसको define किया है? इसलिए we have defined whom, we have defined to consumer. So the one who क्या लिखा मैंने, buys goods or avails service या hire service, तो मतलब आप क्या करते हो, अगर आप दुकान पे जाके पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो या फिर होटल में जाके सो जाते हो, नहीं सोएगा तू? अच्छा क्यों सोए, 1 GB है तो है, तो मुझे ध्यान देंगे। सो अगर आप क्या करते हो बच्चों, when you buy goods, और या फिर मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आप गुड्स खरीदिए या फिर क्या कीजिए,
सर्विसेज हायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंज्यूमर हैं। होटल में जाके सोना मतलब यू आर हायरिंग व्हाट, यू आर हायरिंग द सर्विसेज। 1 GB डेटा मिलता है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग गुड्स और हायरिंग सर्विसेज, यू आर हायरिंग सर्विसेज। तो आप चाहे गुड्स खरीदें या फिर सर्विसेज को क्या करें, हायर करें। सो द वन हु बायस गुड्स और हायर्स और अवेल व्हाट बेटा, सर्विसेज फॉर फॉर व्हाट, फ्री में या प्राइस देके, प्राइस देके। सुन ध्यान से, प्राइस क्या हो सकता है, पेड, पेड मतलब सामान लिया, पैसा हाथ में रख दिया, प्राइस क्या हो गया, पेड। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, पेड हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रॉमिस टू बी पेड। व्हाट इज प्रॉमिस टू बी पेड बच्चों, प्रॉमिस टू बी पेड मतलब आपने कहा कि आप फ्यूचर में देंगे, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड मतलब आधा पे किया और आधा बोला कि बाद में देंगे, या फिर अंडर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम। अंडर व्हाट बेटा, आपने गुड्स बाय किए, कैसे बाय किए बच्चों, यू हैव बॉट द गुड्स, अंडर व्हाट सिस्टम बच्चों, अंडर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम। डिफर्ड पेमेंट सिस्टम मतलब इंस्टॉलमेंट, डिफर्ड का मतलब बाद में पे करने का एक सिस्टम। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे, कैसे खरीदे, पैसे देकर, कैसे खरीदे आपने, पैसे देकर गुड्स खरीदे, या पैसे देने वाले मतलब फ्री में नहीं लिया, देयर इज अ कंसीडरेशन, देयर इज अ कंसीडरेशन, ठीक है। प्लस यूजर, यूजर मतलब खरीदा मैंने, यूज आपने किया, किसकी परमिशन से, फॉर प्राइस, प्लस ऑल्सो इंक्लूड्स होम बच्चों, द वन हु यूजेस द गुड्स, किसकी परमिशन से, विद द परमिशन ऑफ परचेजर, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स होम बच्चों, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स होम द यूजर हु यूजेस द गुड्स, विद द परमिशन ऑफ होम, with the permission of purchaser. So, अगर इतनी condition आप satisfy कर रहे हो तो आप क्या बन जाओगे? So, पहला मुझे simple सी definition है, who buys the goods or who avails services, paid for price, paid promised to be paid, partly paid, partly promised, or under a system of what beta, deferred payment system, और किसको include करता है बच्चा, और किसको include करता है, the one who uses the goods, the one who with the, अच्छा uses the goods मतलब चोरी छुपे या परमिशन लेके, परमिशन लेके जो बंदा गुड्स को क्या करता है, यूज करता है। Is that clear? Who is he? He is a consumer. अब एक और चीज याद रखना, चाहे आप पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स खरीदें, या फिर आप कमर्शियल पर्पस लिए गुड्स खरीदे, दोनों ही केस में आप क्या है, या फिर पर्सनल पर्पस लिए सर्विसेज ले, या फिर कमर्शियल पर्पस लिए, दोनों ही के लिए क्या आप क्या है, दोनों ही केस में आप कंज्यूमर कहलाएंगे। तो आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, आपको लगता है कि दुकानदार ने आपके साथ क्या किया है, गलत प्रैक्टिस यूज किए हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस यूज किए हैं, ज्यादा प्राइस चार्ज किया है, अपनी डोमिनेंट पोजिशन को क्या किया है, अब यूज किया है। यू ऑलवेज हैव द चॉइस, यू कैन अप्रोच, वेयर यू कैन अप्रोच टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जा सकते हैं बतौर कंज्यूमर, बतौर कंज्यूमर। लेकिन हमेशा याद रखिए बच्चों, अपन लोगों को जो रिलीफ चाहिए, जो एज अ कंज्यूमर अपने को रिलीफ चाहिए, एज अ कंज्यूमर जो क्या चाहिए अपने को, एज अ कंज्यूमर व्हाट एवर रिलीफ वी सीक, जो भी रिलीफ हमें चाहिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट द राइट फोरम। CCI is, though the act provides, but practically speaking, CCI is not the right forum to get us all the remedies that we want. What is the right forum for normal consumer? It's consumer courts. अपने लिए सही forum क्या है बच्चों?
कंज्यूमर कोरम्स आर द राइट फोरम्स यू नो वेयर वेयर इन वी कुड गेट, जहां पे हमको मिल सकती, क्या मिल सकती है अपने मतलब की रेमेडी मिल सकती है. सो कंपटीशन एक्ट इज मोर फॉर होम बच्चों, अपने लिए, बिजनेसमैन के लिए. जैसे मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, चाहे वो डीमार्ट की एग्जाम्पल दिया हो मैंने, देन सीमेंट कंपनीज का एग्जाम्पल दिया हो, सीमेंट कंपनी के खिलाफ केस किसने फाइल किया, डीलर्स ने फाइल किया. फिर मैंने कुछ आपको होंडा का केस दिया था क्या, शोरूम वाला, वो सारी एक्सेसरीज भी आपको मेरे यहाँ से खरीदनी पड़ेगी. तो जितने भी हैं बच्चों, ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वाला लॉ है. एज अ कंज्यूमर इफ यू वांट टू रिलीव, आपने कोई सामान खरीदा, आपको अच्छा सामान नहीं मिला, आपसे सेलर ने ज्यादा प्राइस चार्ज किया, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, कंज्यूमर. हाँ लेकिन ठीक है बच्चों, कॉम्पिटिशन एक्ट का दायरा उन्होंने बढ़ाया है कि भाई नॉर्मल इंसान भी और बिजनेसमैन भी दोनों को ही रिलीफ मिलेगा, कहाँ से, ठीक है. तो चाहे आपने गुड्स पर्सनल पर्पज के खरीदे या कमर्शियल पर्पज के खरीदे, कोई फर्क, कमर्शियल पर्पज मतलब खुद के लिए आगे बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए, तो भी आप क्या है, कंज्यूमर है. इज एवरीवन विद मी, इज एवरीवन विद मी. चलिए नाउ प्लीज हियर, ध्यान देखना. बच्चों सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी, कौन से एक्ट के अंदर बच्चों, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखें, कौन सा एक्ट देखें, हाँ, इफ यू गो थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी देखते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर शब्द को डिफाइन किया गया है, कौन से शब्द को, उसमें यह बोला गया है कि सिर्फ जो पर्सनल पर्पज के लिए गुड्स खरीदता है, प्लस जो बंदा कंज्यूमर की परमिशन से गुड्स क्या करता है, वही कंज्यूमर, मतलब जो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है, जो कि कौन से पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए जो गुड्स खरीद रहा है, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए जो सर्विसेज अवेल कर रहा है, वो किस कौन से एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कौन है, वही जो क्या कर रहा है, जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीद रहा है. इज दैट क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे. लेट्स सी, देखिए क्या है, कंज्यूमर मींस अ पर्सन हु नंबर वन बाइज एनी गुड्स फॉर व्हाट बेटा, जो बंदा गुड्स खरीदता है फॉर अ विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी डिफर्ड सिस्टम पेमेंट और अंडर सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ पर्सन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विद द परमिशन ऑफ the person who is buying the goods, whether such purchase of goods is for resale or for any curve, chahe wo goods aapne resale ke liye khareede ho, commercial purpose ke liye khareede ho, ya fir vyaktigat use ke liye, personal use ke liye khareede ho, aap kya hai, you are a consumer. dusra same hai, bas goods ke badle kya hai, goods ke badle yahan pe kya hai, services hai. to same definition aayegi, to aap alag alag bhi likh sakte ho, chaho to alag alag likhna zyada acha dikhega, bada dikhega thoda sa. बाकी डेफिनेशन दोनों क्या है बच्चों, सेम ही है. इट मे बी नोटेड दैट, ये देखना है आप ध्यान से, और डेफिनेशन के बाद हमेशा लिखना, इट मे बी नोटेड दैट अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, इवन इफ अ पर्सन परचेजेस गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर विच पर्पस, कमर्शियल पर्पस, ही विल बी अ कंज्यूमर, वेयर एज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, अ पर्सन परचेजिंग गुड्स और अवेलिंग सर्विसेज फॉर विच पर्पस, commercial purpose is not a consumer and cannot seek any relief. Consumer Protection Act के अंदर जो बंदा कौन से purpose के लिए goods खरीद रहा है, commercial purpose के लिए goods खरीद रहा है, he is not a consumer और उसको कोई भी relief नहीं मिलने वाली. commercial purpose वाले को relief चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना पड़ेगा, Competition Act के अंदर, CCI, Competition Commission of India के पास. Is everyone with me? Acquisition का definition समझा सबको, agreement का समझा, cartel का समझा, एक्विजिशन, अग्रीमेंट, कार्टेल, सबका डेफिनेशन समझा. अरे देखना पड़ेगा सही भी है कि नहीं, बहुत बच्चों कल कहां कहां से ढूंढ के लाए हूं इसको, लग गया भाई.
10 मंगवाऊंगा बच्चों से, 10 बहुत महंगा आता है, 4,500 रुपए का एक है। ये एप्पल यूज करना इज अ लग्जरी है, बट वो एप्पल के अलावा वो एक सरफेस बुक आता है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो बाकी के टीचर्स यूज करते हैं, वो बहुत छपरी होता है बच्चों, मतलब उसमें यू डोंट गेट अ फील, मतलब आपको समय में पेन वेन उसके बहुत खराब रहते हैं लेकिन एप्पल का फील अलग है। बट एप्पल यूज करना बहुत अभी मेरे ख्याल से, चलिए बच्चों कम से कम 3 महीने तो अपने को, 2 महीने तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 महीने में एनीवे। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी कंज्यूमर, हाँ मैं अग्रीमेंट की बात कर रहा, अग्रीमेंट का मतलब क्लियर हो गया, कार्टेल का मतलब क्लियर है सबको, कार्टेल क्यों क्रिएट किए जाते हैं, कार्टेल रीजंस क्या है, करीब आने के रीजन क्या है, दीपिका रणबीर क्लियर है आपको, कंज्यूमर का डेफिनेशन सबको क्लियर है, श्योर, अरे हाँ या ना, रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 4 के एक्सेप्शन, रेगुलेशन 5 पढ़ाई नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एंटरप्राइज, व्हाट्स एन एंटरप्राइज, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सब, एनी पर्सन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो किसमें शामिल है, एक्टिविटी में। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, यहां पर इन्होंने कंपनी डिफाइन नहीं किया, क्या डिफाइन किया है, एंटरप्राइज, कैन यू टेल मी द इंटेंशन, एंटरप्राइज बोला ना तो कोई भी कमर्शियल, मतलब समझो एंटरप्राइज इसलिए बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल, इंसान, कंपनी, फर्म, कोई भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, सबको अपन पकड़ के कहां पे ले आएंगे, उन सबको पकड़ के अपन कंपटीशन एक्ट के दायरे में डाल देंगे। अगर सिर्फ कंपनी बोलते तो प्रॉब्लम होता ना, तो लोग क्या करते, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कैसे करते, फर्म बना के, क्या बोलते हैं, फर्म के ऊपर कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिखा यहां पे, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वी वांट टू गेट नेक ऑफ होम, बच्चों हमको सबका गला पकड़ना है, किसका गला पकड़ना है, जितनी भी कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं सबका गला अपने को पकड़ना है, इसलिए अपने क्या बनाया है, इसलिए हमने क्या लिखा है, इसलिए हमने लिखा है एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, ओए एनी पर्सन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये एक्ट क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। हाँ लेकिन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर सॉवरियन फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, कौन सा फंक्शन, सॉवरियन फंक्शन, वॉर, ऑर्डर वगैरह, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, वॉर लड़ना, जस्टिस, जुडिशरी वगैरह के जो फंक्शन है, अब तुम ये नहीं बोलोगे नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, मेरे को अपना कोर्ट बनाने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, DCI, नहीं वहां पे कंपटीशन नहीं, देखिए वहां पे कंपटीशन प्रमोट नहीं करना है, तो जो सॉवरेन फंक्शन है ना गवर्नमेंट के, वहां पे कंपटीशन एक्ट लागू हो, तो ध्यान सीखे। तो एंड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन, पर्सन के अंदर सब आ गए, और अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी का मतलब प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी का मतलब प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, सेलिंग, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट, गुड्स और सर्विस, बात खत्म। तो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, पर्सन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, हु और विच, मतलब पर्सन के लिए हु, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के लिए विच, हैज बीन एंगेज्ड इन, किसमें एंगेज्ड है, एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ व्हाट बेटा, कंट्रोल ऑफ गुड्स या फिर आर्टिकल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अरे हाय ना, ऑफ एनी काइंड, गुड्स भी कोई भी टाइप का हो सकता है, सर्विस भी कोई भी टाइप की हो सकती है, क्या बन गए आप, अरे क्या बन गए आप, आप बन गए एंटरप्राइज। However, it does not include any activity of the central government relating to what beta, sovereign function of government, including all activities carried on by the government department dealing with what beta, adopting energy, currency, defense, space, ye sab kaun si function, ye activities plus kaun si activities, acha yes, ye sab kiske andar aa gaya, energy, currency, defense, space, ye sab kaun sa hai, ye sab sovereign functions ke andar kya kiya, include kiya hai,
एक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, याद रखना। एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी का मतलब होता है प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन। यूनिट और डिवीजन, अच्छा इसमें एक और चीज था कि आप एक्टिविटी खुद से करिए या फिर किसके थ्रू करिए, यूनिट या फिर डिवीजन के थ्रू कीजिए। यूनिट और डिवीजन का मतलब क्या है? इंक्लूड्स अ प्लांट और फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड फॉर व्हाट बेटा? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, और एनी ब्रांच और ऑफिस एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस। एक मिनट। सो अगर यूनिट और डिवीजन का मतलब क्या है? यूनिट और डिवीजन का मतलब क्या है? कुछ नहीं बच्चों, फैक्ट्री। यूनिट और डिवीजन का मतलब क्या है बच्चों? फैक्ट्री या फिर प्लांट। जो आपने क्यों डाला है? अरे क्यों डाला है? ऑब्वियसली क्या करने के लिए? किसी चीज को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। या फिर कोई ब्रांच, सर्विसेज कहां पे होती है बच्चों? सर्विसेज के लिए कोई फैक्ट्री होती है कि ब्रांच होती है? होटल, होटल इज अ ब्रांच, या फिर कोई ब्रांच जहां से आप क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट और डिवीजन? प्लांट एंड फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन होता है, या फिर वो ब्रांच जहां से आप क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गुड्स के लिए क्या हो गया? प्लांट और फैक्ट्री, और सर्विस के लिए क्या हो गई? ब्रांचेस। नाउ गुड्स का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एंटरप्राइज क्या करती है, गुड्स करती है और सर्विस बनाती है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है मुझे वो भी बताना पड़ेगा आपको। गुड्स का मतलब वही गुड्स, वही डेफिनेशन जो कहां पे लिखी हुई है, द सेम डेफिनेशन एज इज गिवन इन विच एक्ट, वही डेफिनेशन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दी गई है। और किसको किसको इंक्लूड करता है? कुछ नहीं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड प्रोड्यूस्ड और गुड्स माइंड। किस किस को इंक्लूड करता है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स, अरे तीन चीज बोल रहे, फैक्ट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और माइंड। शेयर्स, स्टॉक्स आफ्टर अलॉटमेंट, शेयर्स और स्टॉक्स भी इंक्लूड करता है गुड्स की डेफिनेशन। लेकिन कब? मूवेबल प्रॉपर्टी ना शेयर्स बच्चों, आफ्टर देयर अलॉटमेंट। तो क्या ना इसे अगर गलत तरीके से शेयर्स वगैरह भी इश्यू किए जा रहे हैं तो क्या कंपटीशन एक्ट आ सकती है? लिखा ना, डिबेंचर, शेयर्स एंड स्टॉक्स आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट अगर गलत तरीके से हुआ है तो भी कंपटीशन एक्ट आ सकती है ना, क्योंकि जहां जहां पे गुड्स है, जहां जहां पे क्या है, सर्विसेज है, क्या जहां जहां पे प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट बेटा, गुड्स है या सर्विस है, तो गुड्स के अंदर स्टॉक्स भी आ रहे हैं। तो अगर स्टॉक्स के केस में भी गड़बड़ हो रही है तो क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरवीन कर सकता है? हाउएवर द राइट अथॉरिटी विल बी एनसीएलटी। लेकिन ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहां पे गलत अलॉटमेंट होता है शेयर्स का और लोग सीसीआई जाते हैं। शेयर्स का गलत अलॉटमेंट होता है, लोग कहां पे जाते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जाते हैं। और लास्ट, गुड्स सप्लाइड और इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सो इंडिया में जैसे चाइनीज गुड्स आते हैं, और तुमने देखा होगा कि चाइनीज गुड्स के प्राइस इंडियन गुड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होते हैं, हाँ है ना? आपको क्या लगता है चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट शिकायत नहीं हुई है? आप गूगल करना रेडमी, माइक्रो रेडमी, देन आपका शाओमी, देन आपका ओप्पो, झोप्पो, टोप्पो, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स है मोबाइल की, ऑनर, इन सबके अगेंस्ट, सैमसंग, इन सबके अगेंस्ट क्या हुई है बच्चों? हजारों कंप्लेंट्स फाइल ने कहां पे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। क्यों? अब ये गुड्स अगर इंडिया मैन्युफैक्चर है तो ठीक है, बट ये गुड्स अगर कहां से बनते, कहीं पे गुड्स बनते कहां पे? बाहर है, बट इंपोर्ट होके कहां पे आ रहे हैं? अगर बनते बाहर है बट इंपोर्ट होके कहां पे आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, माइन हुआ है, शेयर्स है, डिबेंचर है, या फिर कोई भी गुड्स फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं, प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जितने गुड्स हैं वो सब गुड्स हैं, बचा क्या? अरे बचा क्या? मतलब कैन आई से इतनी वाइड डेफिनेशन है, इतनी वाइड डेफिनेशन है कि हर एक टाइप का गुड्स, हर एक टाइप का गुड्स कहां पे आ गया? हर एक टाइप, किसी भी गुड्स के बेचने में धांधली हो रही है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कैन आई से सीसीआई में केस बनता है? अरे हाँ या ना? इतनी हमने कौन सी डेफिनेशन बनाई है? वाइड डेफिनेशन बनाई है। अरे यस और नो? नेक्स्ट इज व्हाट? पर्सन का मतलब कौन हो गया?
इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ईओपी, कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के अंदर, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में या फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री में, मतलब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो कहां पे आके बिजनेस कर रही है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल, अरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ये बस वगैरह चलते ना, पीएमटी वगैरह ये सर्विस दे रही है तुमको, ये भी उल्टी सीधी सर्विस देंगी, तुम कंपटीशन कमीशन में केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, लज्जत पापड़, उसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। यस, लज्जत पापड़ भी क्या है, पर्सन, पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, पर्सन है, और अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो क्या बन गया वो, एंटरप्राइज। अरे भूल गए क्या, पर्सन है बिजनेस कर रहा है तो वो क्या बन गया, एंटरप्राइज बन गया। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा ना गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी जिसको डिफाइन किया गया कहां पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बताया गया है, कोई भी कंपनी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या हाँ 51% नॉट लेस देन 51% शेयर होल्ड करती है तो क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनी। नाउ व्हाट इज सर्विस, एक मिनट, पर्सन की डेफिनेशन मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया आपको, क्यों, क्योंकि बच्चे पर्सन के अंदर हमेशा याद रखना, जो जो एंटिटी आपको याद है सब आ जाएगी पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, सोल प्रोप्राइटरी, कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सब सब सब, गवर्नमेंट कंपनी सब। उसके बाद व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये पर्सन ये सब हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट engaged in activity, activity का मतलब profession या occupation of selling, supplying, distributing, storing goods या फिर services. Now what is the meaning of service? Service शब्द को define करना बहुत मुश्किल है. Service खरीदते हो या feel करते हो, avail करते हो. आपने Icon Academy से coaching class की services क्या की है, अवेल की, व्हाट यू हैव डन बच्चों, यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज फ्रॉम आईकैन अकेडमी। सो सर्विस का मतलब कोई भी सर्विस हो सकती है बच्चों, मालिश करवाना, तेल लगवाना, एस्ट्रोलॉजी, होटल, इंश्योरेंस, कोई भी, हाँ है ना, जो किसको अवेलेबल होती है, पोटेंशियल यूजर्स को, किसको अवेलेबल होती है, पोटेंशियल यूजर मतलब जो बंदा उस सर्विस को यूज कर पाए, पोटेंशियल बंदा, पोटेंशियल यूजर का मतलब क्या है, सर्विस आप उसी को प्रोवाइड करो जो बंदा उस सर्विस को गया। अब 9 साल का बच्चा है, वो एक बार पे गया दारू पीने की, दारू में उसको मजा नहीं आया, तो क्या वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि नहीं दारू में मजा नहीं आया, मुझे सर्विस अच्छा नहीं मिला? नो, पोटेंशियल यूजर मींस द यूजर मस्ट बी कैपेबल ऑफ, द यूजर मस्ट बी एलिजिबल टू यूज द सर्विस। तो देखिए सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब किसी भी टाइप की सर्विस, सर्विस का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप की सर्विस जो किसको उपलब्ध कराई जाती है, विच इज मेड अवेलेबल टू हूम बच्चों, टू द पोटेंशियल यूजर्स। पोटेंशियल यूजर का मतलब क्या हो गया गौतमी, द वन हु कैन यूज दैट सर्विस, and includes services of what beta, business and commercial matter, मतलब वो, अरे definition of service में क्या था, जो service की definition थी उसमें commercial services भी included थी ना, so जो commercial purpose की services होती है, business purpose की services है, वो भी क्या है, service है, ठीक है। तो for example मैं idea का authorized agent हूँ, मैं सबके mobile recharge करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप सबको कौन सी सर्विस देता हूं, कमर्शियल नेचर की सर्विस, ठीक है, और सब इंक्लूड करता है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडुकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, चिट फंड, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मटेरियल ट्रीटमेंट, मटेरियल ट्रीटमेंट, अरे प्यूरिफिकेशन, किसी मटेरियल को क्या करना, ट्रीट करना, प्रोसेसिंग, सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, अभी अम्यूजमेंट, मनोरंजन घर, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर,
न्यूज इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट ये सब क्या है बच्चों? अरे जितना रेस्टोरेंट होटल सब क्या है बच्चों, कोचिंग क्लास एडुकेशन सब क्या है बच्चों, सर्विस है। और लास्ट इट मे बी नोटेड दैट कंपटीशन एक्ट द सर्विस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल नेचर ऑल्सो फॉल विद इन द स्कोप ऑफ एक्ट। करेक्ट है क्या? कंपटीशन एक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल और पर्सनल नेचर, इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर की सर्विसेज भी आती हैं। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कमर्शियल नेचर की सर्विसेज आती नहीं है। करेक्ट है ना? अरे कंपटीशन एक्ट के अंदर दोनों, कंपटीशन एक्ट के अंदर कौन सी सर्विसेज आएंगी? पर्सनल नेचर की सर्विसेज भी आएंगी और कमर्शियल सर्विस भी आएंगी, लेकिन कंपटीशन एक्ट के अंदर सिर्फ पर्सनल सर्विस आएंगी, कमर्शियल नेचर की सर्विस नहीं आती। तो कमर्शियल नेचर की सर्विस अगर आपको गलत मिली है तो आप कौन से एक्ट के अंदर रिलीफ मांगेंगे? आप कंपटीशन एक्ट के अंदर रिलीफ मांगेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर मैं कस्टमर हूं, मैं होटल गया, होटल का बेड टूटा था पहले से, मैं सोया, मैं गिर गया, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जाऊंगा। कंपटीशन एक्ट के अंदर भी जा सकता हूं, यस आई हैव अ चॉइस, बट व्हाट इज द राइट थिंग दैट आई शुड डू? कंज्यूमर कोर्ट इज मोर एप्रोप्रिएट फोरम टू गेट द जस्टिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? शुड वी स्टॉप फॉर द डे? चलिए बस करेंगे बच्चों आज के लिए। कल अगर कल का लेक्चर मिस करोगे तो आगे तुम्हारे पास कल सेकंड चांस होगा। रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तीन चीजें मैं कल पूरे सवा घंटे में कवर करूंगा। सो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।